मेरठ में विभागीय अफसरों की लापरवाही का ही नतीजा है कि आए दिन बिना एनओसी के चल रही फैक्ट्रियों, उद्योगों, कारखानों में हादसे होते रहते हैं। हापुड़ में हुए हादसे के बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में बिना एनओसी के उद्योग धंधे चल रहे हैं, जिनकी और विभागीय अफसरों का कोई ध्यान नहीं है। हापुड़ में हुए इतने बड़े हादसे के बावजूद यहां अधिकारी अवैध रूप से चल रहे कारखानों का संज्ञान लेने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं। उन्हें यहां शायद मेरठ में किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार है। अभी हाल ही में मवाना रोड पर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग इसका बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद यहां कोई अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है। शहर में कई जगहों पर अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्रियां तक संचालित हो रही हैं और अवैध रूप से छोटे गैस सिलेंडर आदि चीजों को बनाया जाता है, जिनकी एनओसी फैक्ट्री संचालकों की ओर से नहीं ली गई है। जी हाँ, हम शहर की बात कर रहे हैं। यहाँ लिसाड़ी क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ अवैध रूप से छोटे गैस सिलेंडर बनाए जाते हैं। सरकार का नियम है कि कोई फैक्ट्री आवासीय क्षेत्र में नहीं होगी, लेकिन यहाँ मेरठ की बात करें तो यहाँ आवासीय क्षेत्रों में हजारों की संख्या में फैक्ट्री खुली है और यहाँ कारोबार चल रहा है। अब बात अगर सिर्फ लिसाड़ी क्षेत्र की ही करें तो यहाँ न जाने कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि बिना एनओसी के चल रही हैं। अवैध रूप से सिलेंडर खुलेआम बनाए जा रहे हैं, गलियों में केमिकल बनाने की फैक्ट्रियां खुली है, लेकिन इनके खिलाफ किसी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही तक नहीं की जा रही है। इसके अलावा लिसाड़ी स्थित कमेला रोड पर कपड़ा बनाने की सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन इन फैक्ट्रियों में किसी विभाग की ओर से एनओसी तक नहीं ली गई है।